अभी तक जो हमारी पुरानी क्लासेस थी वहाँ पे हमने कॉन्सोल प्रोग्रामिंग की बात करी थी। कॉन्सोल प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि भाई आप अपना नोटपैड वगैरह में प्रोग्राम लिखते हो, अपना कमांड प्रॉम्प्ट पे उसको रन करते हो। तो हमने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए हमने कॉन्सोल प्रोग्रामिंग करी थी। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विंडोज़ प्रोग्रामिंग। जब कभी भी तुम्हें विंडोज़ प्रोग्रामिंग करनी है तो विंडोज़ प्रोग्रामिंग करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे विजुअल स्टूडियो को ओपन करोगे। आप यहाँ पे विजुअल स्टूडियो को ओपन करोगे। विजुअल स्टूडियो में जाने के बाद आपको वहाँ पे लैंग्वेज में सी शार्प सेलेक्ट करनी है, क्योंकि हमें सी शार्प के अंदर काम करना है। और ये सी शार्प के अंदर हमें यहाँ पे विंडोज़ एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है। अब देखो ये जो विंडोज़ एप्लीकेशन है, यदि मैं इसको ओपन करूँ यहाँ पे विजुअल स्टूडियो को, ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं ओपन करता हूँ विजुअल स्टूडियो। ये रहा हमारा विजुअल स्टूडियो 2017, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो हमारा विजुअल स्टूडियो 2017 का कम्युनिटी एडिशन है जो मैं काम करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो 2017 स्टार्ट करता हूँ। अब जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ तो इस तरह की एक विंडोज एनवायरनमेंट हमारे पास आ जाता है। किसी भी सॉफ्टवेयर्स के अंदर चीज़ों को शुरू करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, हम फाइल में जाते हैं। फाइल में जाने के बाद हम यहाँ पे न्यू करते हैं और हम यहाँ पे लेते हैं प्रोजेक्ट। फाइल में जाते हैं, न्यू करते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं प्रोजेक्ट। अब हमें करना क्या है, ये सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो हमें काम करना है विजुअल सी शार्प में, तो हम यहाँ पे लेंगे विजुअल सी शार्प। यदि हमें काम करना है विजुअल बेसिक में, तो हम यहाँ पे लेंगे विजुअल बेसिक। यदि हमें करना है सी प्लस प्लस में, तो हम यहाँ पे लेंगे विजुअल सी प्लस प्लस। अब हम यहाँ पे क्या सेलेक्ट करते हैं, हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं विजुअल सी शार्प। विजुअल सी शार्प सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे लेना है कि आपको बनाना क्या है। तो मुझे मोबाइल ऐप्स नहीं बनाने हैं भाई, मोबाइल ऐप्स बनाना है उसके लिए जैमरिन फॉर्म है। हमें यहाँ पे क्या बनाना है, हमें यहाँ पे बनाना है विंडोज़ प्रोग्रामिंग करनी है। तो विंडोज़ प्रोग्रामिंग करने के लिए या तो मैं ले लूँगा विंडोज़ फॉर्म ऐप, या फिर मैं ले लूँगा डब्ल्यू पी एफ ऐप। तो डब्ल्यू पी एफ बाद की बात है, अब विंडोज़ प्रेजेंटेशन फाउंडेशन, अभी हम बात करेंगे विंडोज़ फॉर्म ऐप। यहाँ पे तुम कॉन्सोल एप्लीकेशंस भी बना सकते हो। यहाँ पे देखो ये कॉन्सोल ऐप है, ये हमारा कॉन्सोल ऐप है, काफ़ी कुछ चीज़ें इसके अंदर हैं। ठीक, अभी फिलहाल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम आराम से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे विंडोज़ फॉर्म्स ऐप। ये ट्रेडिशनल विंडोज़ प्रोग्रामिंग है जो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, ये हमारा लोकेशन है, और ये हमारे सॉल्यूशंस का नाम है। एक सॉल्यूशंस के अंदर में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशंस बना दिया ईआरपी, अब इस ईआरपी सॉल्यूशंस के अंदर में हमारे एक प्रोजेक्ट हो सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइब्रेरी के लिए एक प्रोजेक्ट बना दिया, तो एक सॉल्यूशंस के अंदर में मल्टीपल प्रोजेक्ट हो सकते हैं। और ये हमारा सेव कहाँ पे होगा, यहाँ पे। और आप यहाँ पे किस फ्रेमवर्क को टारगेट करना चाहते हो, तो मेरा फ्रेमवर्क, इतने सारे फ्रेमवर्क हैं, तो मैं जो लेटेस्ट है वो ले रहा हूँ, फ्रेमवर्क 4.6.1। अब ये क्या करेगा, ये इस लोकेशन में एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा आपके सॉल्यूशंस के लिए। तो आपको ज़्यादा इन सब चीज़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे विजुअल सी शार्प लेना है, यहाँ पे लेना है विंडोज़ फॉर्म ऐप, यहाँ पे आपको नाम देना है, ये आपके प्रोजेक्ट का नाम है, ये लोकेशन है, ये आपके सॉल्यूशंस का नाम है। ए सॉल्यूशन इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट। एक सॉल्यूशंस के अंदर में आप मल्टीपल प्रोजेक्ट बना सकते हो। अब यहाँ पे हम ओके करते हैं। अब आप जैसे ही यहाँ पे ओके करोगे तो आपके सामने एक विंडोज़ फॉर्म रेक्टेंगुलर एरिया बन के आ जाएगा। ये आपके सामने एक यहाँ पे विंडोज़ फॉर्म बना के ला के रख देगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो विंडोज़ फॉर्म्स हमारा, ये हमारा विंडोज़ फॉर्म, ये देखो ये हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर का मतलब क्या है, ये हमें बता रहा है आप इस विंडोज़ को अपने हिसाब से अरेंज कर लें, इस विंडोज़ को आप अपने हिसाब से अरेंज कर लें। अब इतना बड़ा थोड़ा सा मैं इसको सही कर लेता हूँ जिससे काम करने में आसानी हो। ये हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर का मतलब है ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशंस के अंदर एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम है लाइब्रेरी, और इसके अंदर ये हमारा एक फॉर्म है। ये हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो है। आप यहाँ पे जो कुछ भी बनाते हो, जो भी हमारा चीज़ होता है, उसका अपना एक प्रॉपर्टी होता है। भाई मुझे इसका कलर चेंज करना है, मुझे इसका टाइटल चेंज करना है, तो आप प्रॉपर्टी में जाके चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे अभी ये प्रॉपर्टी किसका आ रहा है, ये देखो फॉर्म का आ रहा है। अभी मैं यहाँ पर बटन पे बटन ले लूँ, अब ये जो प्रॉपर्टी आ रहा है ये किसका आ रहा है, यहाँ पे बटन का आ रहा है। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज विंडो है। जैसे मान लो मुझे बटन का कलर चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये रहा जी बटन का प्रॉपर्टी, और बटन के प्रॉपर्टी में मैं जाऊँगा, यहाँ पे होता है बैकग्राउंड कलर, ये रहा हमारा बैक कलर। अब बैक कलर में मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये रेड कर लेता हूँ, ये रेड हो गया। अब मुझे यहाँ पे फॉर्म्स का कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर्म्स के ऊपर राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, ये रहा हमारा प्रॉपर्टीज विंडो। अब देखो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं हेडिंग्स के साथ आ रही हैं, तो मैं इसको इस पर क्लिक करके इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर सकता हूँ जिससे सर्च करने में आसानी हो। तो हम यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली इसको अरेंज कर लेते हैं। ये रहा हमारा बैक कलर,
और बैक कलर में हम यहाँ पे जो भी बैक कलर लेना चाहें अपने फॉर्म्स का, हम वहाँ पे ये कलर ले सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे ये वाला कलर ले लूँ, तो ये हमारे यहाँ पे फॉर्म्स है। यदि मैं बैक कलर यहाँ पे लूँ, मान लीजिए मैंने बैक कलर यहाँ पे ये ले लिया, तो ये हमारा फॉर्म है। फॉर्म के ऊपर ये हमारा बटन्स है। यहाँ पे हमने यहाँ पे कलर चेंज कर लिया प्रॉपर्टी में आके। इसको आप बंद भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि वो यहाँ पे दिखता रहे। ये टीम एक्सप्लोरर वगैरह भी फिलहाल आप इसे बंद करें। ये हमारा यहाँ पर टूल बॉक्स है। हो सकता है कि तुम्हारे सिस्टम में टूल बॉक्स ऐसा आ रहा हो, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर टूल बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, और फिर हटेंगे तो चला जाएगा। तो बेहतर ये है यहाँ पर टूल बॉक्स पर क्लिक करके इसको पिन अप कर दो। ये देख रहे हो यहाँ पर पिन बना हुआ है, यहाँ पर पिन अप कर दो, ये ऑटो हाइड। अब यदि मैं इसको क्लिक करूँ, ये देखो, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये ऑलरेडी हमारे पास टूल बॉक्स आ गया है, मैं इसको पिन कर देता हूँ, ये यहाँ पर आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमारा फॉर्म आ रहा है मुझे इसका टाइटल चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज करके आप सारे काम कर सकते हो। ये देखो ये हमारा प्रॉपर्टीज आ रहा है। अब मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज में आता हूँ, यहाँ पर ये मेरा टेक्स्ट है, टाइटल को चेंज करना है तो हम यहाँ पर टेक्स्ट ले लेंगे, और इस टेक्स्ट में मान लो मैं यहाँ पर देता हूँ माई फर्स्ट फॉर्म, डाल दिया। ये देखो मेरा पहला फॉर्म आ रहा है। अब मुझे क्या करना है भाई, चलो मैंने कलर भी चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे एक बटन भी ले लिया, मुझे मान लो बटन का टेक्स्ट चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे बटन के राइट क्लिक प्रॉपर्टीज ऑलरेडी आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर टेक्स्ट कुछ भी चेंज करने के लिए टेक्स्ट होता है जो डिस्प्ले करवाना है, तो मान लो मैं यहाँ पर कर देता हूँ सबमिट बटन, मैं यहाँ पर कर देता हूँ सबमिट, तो ये देखो हमारा ये सबमिट आ गया। मैं इसके प्रॉपर्टीज में दी जाऊँ तो ये हमारा यहाँ पर प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज में मैं यहाँ पर लेता हूँ बैक कलर, मैं यहाँ पर बैक कलर में कुछ और ले लेता हूँ, अरे मान लो मैं यहाँ पर इसका कलर ये ले लेता हूँ, ठीक। अब ये सबमिट बटन, आपने सबमिट लिखा है, सबमिट के ऊपर मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो ये राजीव फोर कलर। माइक्रोसॉफ्ट के साथ सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ पे बड़ा मीनिंगफुल चीज़ है, अननेसेसरी चीज़ें आपको नहीं करना है भाई। राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी में जाओ, राइट क्लिक को मैं बोलता हूँ आर सी पी, राइट क्लिक प्रॉपर्टी, आप राइट क्लिक करो प्रॉपर्टी में जाओ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टी में आना है। अब मुझे मान लो इसका ये कलर चेंज करना है सबमिट बटन का, जो मैंने सबमिट लिखा है, कर दो चेंज। ये देखो मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर दो। तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ प्रोग्रामिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे डिजाइनिंग पे आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपने फॉर्म बना लिया। अब मुझे इसे रन करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, या फिर मैं इसको क्लिक करूँ, या फिर मैं F5 करूँ तो ये रन कर जाएगा। ये देखो अब ये यहाँ पे रन कर रहा है। ये देखो ये यहाँ पे बैकग्राउंड में ये कंपाइल हो रहा होगा, कंपाइल होने के बाद इसकी exe फाइल बनेगी और वो exe फाइल हमारा यहाँ पे रन होके आ जाएगा। आपको अभी इन चीज़ों को देख के बहुत घबराने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है ये क्या है, सारी चीज़ें हम एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो जो जो चीज़ें सामने आती जाएंगी आपको समझ में आता जाएगा हमें काम कैसे करना है। अब देखो ये हमारे यहाँ पर कंपाइल हो रहा है, ये देखो library.exe फाइल बन गई। अब यहाँ पर ये रन कर रहा है हमारा, ये देखो ये आपका फॉर्म यहाँ पे रन कर रहा है। अब आप रनिंग मोड में हैं, आपको कैसे पता आप रनिंग मोड में, एक तो ये फॉर्म आपको सामने दिख रहा है, और दूसरा यहाँ पे देखो ये हमारा आ रहा है, यहाँ पे ये हमारा आ रहा है स्टॉप डिबगिंग, मतलब अभी आपने जो रन किया आप इसको यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ तो वो रन करना बंद हो गया, ये देखो बंद हो गया। अब ये जो आ रहा है आउटपुट विंडो, इसको बंद कर दो, मुझे इसे रन करना है, यहाँ पर क्लिक करो और ये अपना रन हो के आ जाएगा। तो ये रहा जी हमारा फॉर्म, ये फॉर्म को मैं यहाँ पे मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ ये हमारा फॉर्म क्या है। तो ये हमारा फॉर्म रहा, तो भाई बड़ा अच्छा सा है, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने कीबोर्ड टच भी नहीं किया, इनफैक्ट बिना टच, हाँ आपने टच किया था टेक्स्ट को चेंज करने के लिए, और ये चीज़ें यहाँ पर बन के आ रही हैं। अब मैं थोड़ा सा इस फॉर्म्स के ऊपर ही और काम करता हूँ, मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये जो फॉर्म आ रहा है अभी मैं रन कर रहा हूँ तो ये फॉर्म हमारा यहाँ पर इस साइड में खुल रहा है, मैं चाहता हूँ ये बीच में खुलना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, यहाँ पे होता है स्टार्ट पोजीशन, यहाँ पर प्रॉपर्टीज होता है स्टार्ट पोजीशन। अब स्टार्ट पोजीशन में डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, मैं कर देता हूँ सेंटर स्क्रीन। अब जैसे मैंने सेंटर स्क्रीन कर दिया तो अब जो भी खुलेगा वो बीच में ही खुल के आना है। ये देखो ये देखो, अब जब भी ये खुल रहा है तो यहाँ पर बीच में होकर आएगा, सेंटर में आएगा, क्यों, क्योंकि आपने वहाँ पर क्या कर दिया था, सेंटर स्क्रीन कर दिया था। और ये जो चीज़ें हैं इन सब चीज़ों को देखने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप बेहतर आप इसको बंद करने ज़्यादा सुखी रहेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जब ये रन करे,
चलो मैं इसके बैकग्राउंड में इमेज लेना चाहता हूँ, ले लो, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाओ, बैकग्राउंड इमेज, और जो भी यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लेना है हम यहाँ पे लोकल रिसोर्स में इंपोर्ट कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे कोई बैकग्राउंड इमेज लेना है, मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ, और डेस्कटॉप पे हमारा मान लो ये इमेज है, मुझे ये इमेज लेना है, और मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। अब देखो इमेज आ तो रहा है, लेकिन चूंकि इमेज का साइज बड़ा है, फॉर्म का साइज छोटा है, तो इमेज प्रॉपर दिख नहीं रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज लेआउट होता है, लेआउट में यहाँ पे क्या है, टाइल, हम यहाँ पे टाइल की जगह क्या ले लेते हैं, स्ट्रेच, ये अब ज़्यादा बेहतर है ना। अब यदि मैं इसको रन करूँ तो ये बैकग्राउंड में हमारा यहाँ पे ये इमेज आ रहा है। अब तुम बोलोगे सर ये बैक कलर क्यों नहीं आ रहा है, भाई जब इमेज तुमने ऊपर से डाल दिया तो कलर कहाँ से दिखेगा, है कि नहीं बॉस लोग जी। तो अब ये रहा जी हमारा ये फॉर्म बेहतरीन। इस काम को यदि हमें दूसरे जगह पे करना हो तो काफ़ी लंबे चौड़े कोड करने पड़ते हैं, यहाँ पे बिना कुछ किए हुए सारा काम हो रहा है। और ये जो बैकग्राउंड इमेज है, फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, तो मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ज़्यादा ठीक है। चलो तो मैंने यहाँ पे बैक कलर वगैरह चेंज कर दिया, मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड इमेज कैसे चेंज करेंगे, टेक्स्ट कैसे चेंज करेंगे, कलर कैसे चेंज करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं इसको रन कर रहा हूँ, और यहाँ पे जनता क्या कर सकती है, ये आप इसको मैक्सिमाइज कर लोगे, आप इसको मिनिमाइज कर दोगे। तो मैं इस बॉर्डर को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर बॉर्डर को चेंज कर सकता हूँ, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, ये रहा हमारा फॉर्म बॉर्डर स्टाइल। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है फॉर्म बॉर्डर स्टाइल, ये देखो क्या है, साइजेबल। साइजेबल का मतलब आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो, आप इस, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म बॉर्डर स्टाइल का मतलब क्या है, इंडिकेट द अपीयरेंस एंड बिहेवियर ऑफ द बॉर्डर एंड टाइटल बार ऑफ द फॉर्म्स। अब यदि मैं इसको साइजेबल है, मैं इसको कर देता हूँ फिक्स टूल विंडो, ये देखो ये टूल की तरह आ जाएगा, यहाँ पे वो मैक्सिमाइज वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। यदि मान लो मैं यहाँ पे कर दूँ नो बॉर्डर, यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा। यदि मैं यहाँ पे कर दूँ फिक्स टूल विंडो, ये कुछ इस तरह से आएगा, रन करो तो आप यहाँ पे आके बॉर्डर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे रन करूँ तो इसका कलर कुछ और हो जाए। अभी हमारा बैकग्राउंड कलर ये है, अभी जो भी आपने चेंजेस करे हैं ना, वो सारे चेंजेस आपने डिज़ाइन टाइम पे करे हैं। मैं इन सारे चेंजेस को रन टाइम में करना चाहता हूँ, रन टाइम मतलब जब रन करे तो ऐसा हो जाए। तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा इट विल ओपन द कोड विंडो। अब देखो यहाँ पे ये कोड विंडो खुल के आ गया, आप जरा गौर से देखो, जो हमारा यहाँ पे नेम स्पेस है उसका नाम क्या है, लाइब्रेरी, जो क्लास है उसका नाम क्या है, फॉर्म वन। और ये फॉर्म वन जो है हमारा, ये इनहेरिट करता है कौन से फॉर्म से, इनहेरिट करता है सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म। इस IDE की सबसे अच्छी बात ये है कि यदि मैं कहीं पर कर्सर ले जाऊँ तो मैं उसके बारे में जानकारी पता कर सकता हूँ। ये देखो मैं यहाँ पर ले जाता हूँ, ये बता रहा है ये क्या हमारा, ये क्लास है, कौन सा क्लास है, सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म डॉट फॉर्म। पूछा जाता है कि जो हमारा फॉर्म क्लास होता है वो कहाँ से इनहेरिट करता है, तो सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म डॉट फॉर्म से इनहेरिट करता है। ये देखो ऊपर में आपने लिख रखा है ना, और ये इस तरह से आ रहा है क्योंकि ये यहाँ पे तो है लेकिन अभी यूज नहीं हो रहा है, और ये ऊपर में यूजिंग सिस्टम है, नेम स्पेस है हमारा। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने डबल क्लिक करा, मैं यहाँ पे आ गया फॉर्म लोड। अब ये फॉर्म लोड हमारा इवेंट है, इसका मतलब जब भी ये लोड होगा तो क्या होगा। अब मान लो मुझे क्या करना है, मुझे फॉर्म का कलर चेंज करना है। देखो फॉर्म हमारा क्या है, क्लास है, खुद का कलर चेंज करना है, तो यहाँ पर हम खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर लगाते हैं दिस, हम यहाँ पर बोलते हैं दिस, दिस डॉट। अब जैसे ही मैंने डॉट लगाया सारी चीज़ें सामने आ गई। अब आपको लिखने का जरूरत नहीं है, भाई आप लिख रहे हो बैक कलर BACK, नहीं नहीं, आप केवल बी करो, ए करो, ये देखो बैक कलर आ गया। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, एंटर कर दो, अब ये सेलेक्टेड हो गया। इसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंटली ये सेंस कर ले रहा है कि तुम करना क्या चाह रहे हो। अब जैसे ही मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ दिस डॉट, अब मैं यहाँ बोलता हूँ बी, अब मैं बोलता हूँ ए, ये देखो बैक कलर आ गया। आप स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, खुद बखुद ये ले लेगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे बैक कलर में आता हूँ, अब बैक कलर में आने के बाद अब मुझे यहाँ पे देखो ये रेड दिखा रहा है। रेड का मतलब क्या, कि अभी गड़बड़ है भाई, अभी कुछ आपने सही नहीं करा है। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू देना है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, बैक कलर इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ कलर डॉट कलर, यहाँ पे एक इनम है, और ये कलर के अंदर ये सारे इतने सारे कलर हैं भाई। मान लो मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ मिस्टी रोज। अब ये पता नहीं ये मिस्टी रोज कौन सा कलर है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब जरा गौर से देखो, ये हमारा यहाँ पे कोडिंग विंडो है, ये हमारा यहाँ पे डिज़ाइन विंडो है, ये कोडिंग विंडो है, ये डिज़ाइन विंडो है। यदि मैं इसको रन करूँ तो आपको लग रहा होगा ना कि फॉर्म ऐसा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं आएगा, वो मिस्टी रोज में आएगा। ये रहा जी मिस्टी रोज।
अब मान लो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो बटन है बटन का भी कलर चेंज हो जाए। तो अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ, जो हमारा बटन है उसका नाम क्या है भाई? ये जो बटन है इसका नाम है बटन वन। डॉट नेट में बड़ी अच्छी बात है, आप टेक्स्ट बॉक्स लोगे, टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या होगा? टेक्स्ट बॉक्स वन, टेक्स्ट बॉक्स टू, टेक्स्ट बॉक्स थ्री। बटन लोगे उसका नाम क्या होगा? बटन वन, बटन टू, बटन थ्री, बटन फोर। चेक बॉक्स लोगे उसका नाम क्या होगा? चेक बॉक्स वन, चेक बॉक्स टू। और आप देख भी सकते हो उसका नाम क्या, और इवन आप इस नाम को चेंज भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हम कोई चेंज वगैरह करने के मूड में नहीं है। अब मैं चाहता हूँ बटन का भी कलर चेंज हो जाए, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? मैं यहाँ पे बोलता हूँ बटन वन, ये देखो बटन वन डॉट बैक इज इक्वल टू, मैं यहाँ बोलता हूँ कलर डॉट, मैं बोलता हूँ रेड। अब मैं यहाँ पर बटन का कलर रेड कर देता हूँ। अब यदि मैं इसको रन करूँ तो जब ये रन करेगा, ये देखो बटन का कलर यहाँ पे रेड होके आ जाएगा, पहले कुछ और था। अब मान लो मुझे यहाँ पे क्या करना है, तुम बोलोगे सर टेक्स्ट तो दिख ही नहीं रहा है। अब टेक्स्ट कहाँ से दिखेगा, तुमने उसका कलर सेम कर दिया, बटन वन डॉट। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ फोर कलर इज इक्वल टू कलर डॉट। अब जो भी कलर यहाँ पे ले लो, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कलर भाई, पता नहीं कौन से कलर हैं, बहुत सारे कलर हैं यहाँ पे, मैं ले लेता हूँ टोमेटो, और टोमेटो तो दिखेगा नहीं भाई, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टैन। अब ये टैन कलर कौन है वो तुम जानो, मुझे नहीं पता। इसको यदि मैं रन करूँ यहाँ पे तो ये टैन कलर में आ जाएगा भाई, तो ये है हमारा टैन कलर हुआ। आने दो, अभी तो दिखा ही नहीं है, रन कर रहा है, प्रोजेक्ट बना रहे हो, रन करेगा, टाइम तो लगेगा ही ना। ये देख ये टैन कलर है, ये टैन कलर में आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यदि मैं बटन पे क्लिक करूँ तो कुछ होना चाहिए। अभी तुम्हारे पास बटन है, मैं बटन के क्लिक पे कुछ इवेंट लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ बटन के क्लिक पे कोड लिखता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कोड लिखता हूँ, जरा गौर से देखो क्या आ गया यहाँ पे, बटन वन क्लिक। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, दिस डॉट बैक कलर। दिस हमेशा रिप्रेजेंट करता है फॉर्म को, दिस मतलब द सेम क्लास। अभी हम कौन से क्लास में, फॉर्म में। हम बोलते हैं दिस डॉट बैक कलर इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ बोल देता हूँ कलर डॉट, अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ऑरेंज। तो आपने कलर यहाँ पे चेंज कर दिया। मुझे अपना टेक्स्ट चेंज करना है तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ दिस डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, दिस डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू। अब मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ जय हिंद। अब सपोज मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं बटन पे क्लिक करूँ तो ये मैक्सिमाइज हो जाए, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ दिस डॉट विंडो स्टेट इज इक्वल टू। अब देखो मुझे आगे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो यहाँ पे करोगे कंट्रोल स्पेस। जैसे मैंने कंट्रोल स्पेस करा तो ये मोस्ट अप्रोप्रियट जगह पे लेके चला गया। ये देखो ये आ रहा है, ये हमारा यहाँ पे इस तरह से बन के आ रहा है, ये इनम है। हम बोलते हैं फॉर्म विंडो स्टेट, और फॉर्म विंडो स्टेट में मैं क्या लेता हूँ, मैक्सिमाइज। अब यदि मैं इसको रन करूँ, ये देखो बाई डिफॉल्ट ये फॉर्म लोड की सेटिंग्स के साथ अप्लाई होगा, ये जो फॉर्म वन ये आ रहा है। अब यदि मैं बटन पे क्लिक करूँ तो क्या होगा, बैक कलर चेंज होगा, ये टाइटल चेंज हो जाएगा, और ये फॉर्म हमारा मैक्सिमाइज हो जाएगा। अरे वाह, ये देखो ये हमारा फॉर्म आ गया, ये हमारा बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया, और ये हमारा सबमिट बटन भी यहाँ पर चेंज हो गया। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब कभी भी आप यहाँ पर बटन्स लोगे या इस तरह से, तो हम काम कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो दिस डॉट विंडो स्टेट है, मैं इसको यहाँ पर कॉमेंट कर देता हूँ, नहीं रखता हूँ। अब मुझे मान लीजिए यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लेना है, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में इमेज भी ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे बोलता हूँ दिस डॉट बैकग्राउंड इमेज इज इक्वल टू, मुझे यहाँ पे इमेज लेना है तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, इमेज डॉट फ्रॉम फाइल। कहाँ से इमेज लेना है, तो मुझे यहाँ पे पाथ देना होगा जो हमारा इमेजेस है। ठीक, तो मैं एक काम करता हूँ, जो हमारा इमेज है वो डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, मान लो ये वाला इमेज है हमारा, ये डेस्कटॉप पे है, मैं इसको देख लेता हूँ कि भाई क्या है इसका पूरा पाथ वगैरह। तो ये हमारा पाथ है यहाँ पे, तो या फिर मैं इसको कहीं सी ड्राइव डी ड्राइव में डाल देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कॉपी कर दो, मैं उसको उठा के, अदरवाइज वो वाला पाथ मेंशन करना पड़ेगा मुझे, तो मैं इसको डी ड्राइव में डाल देता हूँ, डी ड्राइव में डाल देता हूँ। और इसका नाम क्या है, तो क्रिकेट जॉट जे पी जी करके फाइल है, मैं उस फाइल को यहाँ पर डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ फ्रॉम फाइल, और मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, डी कॉलन स्लैश स्लैश, यहाँ पे डबल स्लैश लगता है, ध्यान रखना डी कॉलन स्लैश स्लैश, और क्योंकि स्किप सीक्वेंस के कारण ये प्रॉब्लम आती है, तो हम यहाँ पे जब भी स्लैश यूज़ करेंगे तो डबल स्लैश लगाएंगे, डी कॉलन स्लैश स्लैश, ये हमारा फाइल था डॉट जेपीजी। अब यदि मैं इसको रन करूँ, अब यदि मैं इसको रन करूँ, ये देखो
हम यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं सब बैकग्राउंड दे रहे हैं, सब सेट होके आ गया, पहले तो आपने नहीं करा था। अब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे, मैं चाहता हूँ मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, तो इस तरह से आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, बैक कलर चेंज कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो कुछ ना कुछ डिस्प्ले होना चाहिए, बाकी तो चलो बात की बात है, कुछ ना कुछ डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मैसेज बॉक्स, तो हम यहाँ पर बोलते हैं मैसेज बॉक्स डॉट सो। और मैसेज बॉक्स में सबसे पहले हम यहाँ पर डालते हैं प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मतलब जो आप डिस्प्ले करना चाहते हो। अब यदि मैं इसको रन करूँ, अभी मैं इसको रन करूं, ये देखो आ रहा है, ये हमारा प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट मतलब जो आप डिस्प्ले करना चाहते हो। प्रॉम्प्ट के बाद यहाँ पर दूसरा होता है टाइटल, दूसरा होता है यहाँ पर टाइटल, टाइटल मतलब जो ऊपर में डालना चाहते हो। सबसे पहले मैसेज बॉक्स में होता है प्रॉम्प्ट जो डिस्प्ले करना है, प्रॉम्प्ट के बाद होता है दूसरा टाइटल, ये उसके पैरामीटर्स हैं। ये देखो ये हमारे टाइटल है। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई ये प्रॉम्प्ट आ गया, टाइटल आ गया, और मैं यहाँ पे अब क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बटन लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ बोलता हूँ मैसेज बॉक्स बटन डॉट। अब मैं बोलता हूँ यस नो कैंसिल, अब यहाँ पे ये तीन बटन आएगा। अब यहाँ पे कौन कौन से बटन आएंगे, तीन बटन आएंगे, एक आएगा यस, एक आएगा नो, एक आएगा कैंसिल, पहले केवल ओके आ रहा था, ये देखो आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आइकॉन लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ मैसेज बॉक्स आइकॉन डॉट। अब आइकॉन में क्या लेना चाहते हो, मैं यहाँ बोलता हूँ एक्सक्लेमेशन। अब यदि मैं इसको रन करूँ यहाँ पे, तो ये यहाँ पे मैसेज बॉक्स आएगा हमारा विद आइकॉन के साथ। ये देखो यदि मैं क्लिक करूँ, ये देखो आइकॉन के साथ आ रहा है। अभी बाय डिफॉल्ट तुम्हारा कर्सर कहाँ पे आ रहा है, यस पे, मैं चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट कर्सर नो पे आता, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ मैसेज बॉक्स डिफॉल्ट बटन। अब मैं बोलता हूँ डिफॉल्ट बटन डॉट बटन टू, तो बाय डिफॉल्ट जो कर्सर हमारा वहाँ कहाँ पे आएगा, बटन टू पे आएगा। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये देखो कर्सर कहाँ आ रहा है, बटन टू पे आ रहा है। तो ये है हमारा यहाँ पे मैसेज बॉक्स की कहानी। अब अभी क्या है, मैं चाहता हूँ जैसे मान लो मैंने यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे काम करता हूँ थोड़ा सा, आपको ये बताता हूँ कि मैसेज बॉक्स को हैंडल कैसे करो। तो मैसेज बॉक्स में आपने क्या देखा, सबसे पहले होता है प्रॉम्प्ट जो डिस्प्ले करना है, फिर क्या होता है टाइटल जो ऊपर में लाना है, और ये क्या है यहाँ पे बटन, ये क्या है यहाँ पे आइकॉन, ये क्या है यहाँ पे डिफॉल्ट बटन। ये पूरी कहानी है मैसेज बॉक्स की। अब मान लो मैं यहाँ पे मैसेज बॉक्स में आता हूँ और मैं थोड़ा सा कलाकारी कर लेता हूँ यहाँ पे, ये जो हमारा बटन है, इस बटन के प्रॉपर्टीज में आके मैं इसको कर देता हूँ एग्जिट। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जब मैं एग्जिट करूँ तो ये बाहर निकल जाए, बड़ा सिंपल सा कोड है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, बाहर निकलना है मुझे, तो बाहर निकलने के लिए मैं यहाँ पे एक तो सिंपल सा तरीका हो सकता है, मैं बोलता हूँ दिस डॉट क्लोज, अपने फॉर्म को ही बंद कर दो। भाई हम फॉर्म को ही बंद कर देंगे तो हम बाहर निकल जाएंगे। यदि मैं यहाँ पे दिस डॉट क्लोज कर दूँ तो मैं यहाँ पे बाहर निकल जाऊँगा, लेकिन दिस डॉट क्लोज केवल एक फॉर्म को बंद करता है। यदि मान लो मेरे पास दो चार फॉर्म्स हैं या बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है, तो दिस डॉट क्लोज पूरे एप्लीकेशन को बंद नहीं करता। ये देखो अभी तो बंद कर दिया क्योंकि कुछ भी नहीं है, केवल एक फॉर्म है आपके पास। दिस डॉट क्लोज केवल एक फॉर्म को बंद करता है, लेकिन यदि मेरा एप्लीकेशन बड़ा हो तो दिस डॉट क्लोज ना लगा के हम यहाँ पर लगाएंगे एप्लीकेशन डॉट एग्जिट, एप्लीकेशन डॉट एग्जिट। ये प्रॉपर तरीका है बाहर निकलने का। यदि मैं एप्लीकेशन डॉट एग्जिट कर दूँ तो ये बंद करके पूरे एप्लीकेशन को बाहर निकल जाएगा। ये देखो ये बाहर निकल गया। और अदरवाइज यदि एप्लीकेशन डॉट एग्जिट नहीं लगाना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो इन्वायरमेंट डॉट एग्जिट, इन्वायरमेंट डॉट एग्जिट, और यहाँ पे कुछ भी कोड दे दो एग्जिट का। मैं यहाँ पे जीरो डाल देता हूँ, रन करो यहाँ पे। तो ये तीन तरीके हैं बाहर निकलने के लिए, या तो आप दिस डॉट क्लोज कर दो। दिस डॉट क्लोज हालांकि जेन्यून तरीका नहीं है लेकिन फिलहाल तो काम करेंगे, और एप्लीकेशन डॉट एग्जिट कर दो उससे भी बाहर निकल जाओगे, इन्वायरमेंट डॉट एग्जिट कर दो उससे भी बाहर निकल जाओ। लेकिन मैं बाहर निकलने से पहले पूछना चाहता हूँ कि आप बाहर निकलना चाहते हैं क्या? तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे इंसान की तरह पूछ लेता हूँ, मैसेज बॉक्स डॉट सो वांट टू एग्जिट, वांट टू एग्जिट, भाई बाहर निकलना है क्या? तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ वांट टू एग्जिट, और यहाँ पे टाइटल भी चेंज करो जो कर ही रहे हो। तो हम यहाँ बोलते हैं एग्जिट विंडो,
एग्जिट विंडो। अब मैं यहाँ पे बटन ले लेता हूँ, यस नो कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे ये लेता हूँ। चलो अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, अब देखो अब यदि मैं इसको रन करूँ, अब जैसे मैं यहाँ पर बटन पे क्लिक करूँगा तो ये पूछेगा वांट टू एग्जिट। अब यदि मैं यस करूँ या नो करूँ, मैं कुछ भी करूँगा, मैं बोलता हूँ नो, वो तब भी बाहर निकलेगा, क्योंकि अभी तुमने यस या नो को उसके ऊपर कोई कोडिंग नहीं करी है। अब मुझे क्या करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या प्रेस कर रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ, याद रखना मैसेज बॉक्स क्या है, कर्सर ले जाओ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जुस्सी बनने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पे सिंपली मैसेज बॉक्स क्या है कर्सर ले जाओ ना, ये बता रहा है जी क्लास है। देख मैं बहुत ज्ञानी आदमी हूँ, मुझे पता है कौन क्या है, आप भी ज्ञानी बन जाओगे। कर्सर ले जाओ, ये देखो क्लास सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म डॉट मैसेज बॉक्स, यानी कि मैसेज बॉक्स एक क्लास है और कौन से पैकेज के अंदर है, सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म्स के अंदर है। अब ये सो क्या है, सो एक मैथड है। आप जरा गौर से देखो यहाँ पर दिखा रहा है डायलॉग रिजल्ट, यानी कि ये जो सो है इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, इसका रिटर्न टाइप होता है डायलॉग रिजल्ट। तो इसका रिटर्न टाइप है डायलॉग रिजल्ट, तो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डायलॉग रिजल्ट। अब मैं वेरिएबल ले लेता हूँ डायलॉग रिजल्ट, डी आर एस इज इक्वल टू कुछ भी ले लो। अब मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पर बोलता हूँ इफ डी आर एस डॉट टू स्ट्रिंग इज इक्वल इक्वल टू यस। यदि मैं यहाँ पर यस कर दूँ इज इक्वल इक्वल टू यस, अब यदि मैं यस कर दूँ तो यस मतलब क्या, आपको बाहर निकलना है। टू स्ट्रिंग होता है किसी भी चीज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। भाई ये तो डायलॉग रिजल्ट है ना, वहाँ से आ क्या रहा है, वहाँ से यस आ रहा है, वहाँ से क्या रहा है नो आ रहा है, वहाँ से क्या रहा है कैंसिल आ रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इफ डी आर एस डॉट टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग होता है किसी भी चीज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में कर दिया, मैंने बोला यस, देन ये यहाँ पे एनवायरमेंट डॉट एग्जिट। अब यदि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ यहाँ पे, अब ये तभी बाहर निकलेगा जब आप वहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करोगे। ये देखो वन टू एग्जिट, मैं बोलता हूँ नो, भाई ठीक है मत निकलो। वन टू एग्जिट यस, देखो बाहर निकल गया। अच्छा सेम कोड तुम लोग भी अपने सिस्टम पे करोगे, सेम कोड, लेकिन ये रन नहीं करेगा। अब तुम बोलोगे सर काम ही नहीं कर रहा था, काम क्यों नहीं करेगा पता है, क्योंकि तुम लोग थोड़े से बड़े लोग हो, तो तुम यहाँ पे यस ऐसे लिखोगे अपर केस में। अब यहाँ पे रन करोगे, अब रन कर दिया, अब यहाँ पे गौर से देखो, अब तुम यस भी करोगे तब भी कुछ नहीं हो रहा। तुम बोलोगे सर मैंने कोड तो वही लिखा था लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा। बिल्कुल सर आप वाला कोड था गुरुजी, आप वाला कोड नहीं, आपने यस लिखा है। यहाँ पे देख यस कैसा लिखा हुआ है। या फिर तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, बोलोगे नहीं जी हमें ज़मीन पर ही रहने चाहिए, छोटे लोग हैं हम तो हम यहाँ पे यस कर दोगे स्मॉल लेटर में। अब ज़्यादा भी छोटे हो जाओगे तब भी प्रॉब्लम है, और ज़्यादा भी बड़े हो जाओगे तब भी प्रॉब्लम है ना। तो भैया मिडिल क्लास वन के रहो ज़्यादा अच्छा है। अब देखो इवन तुम यस लिखे हो सब कुछ सही है, लेकिन आपकी छोटी सी मिस्टेक के कारण ये देखो काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने यस का वाई छोटा कर दिया। तो आप कैसे समझोगे अंतर्यामी हो आप, तो यस का वाई कैपिटल करना है, कोई अंतर्यामी होने की जरूरत नहीं है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है, समझ में आई बात। अब यदि मैं इसको रन करूँ यहाँ पे, अब देखो अरे मैं बोलता हूँ यस, ये बाहर निकल गया। क्लियर? चलिए अब मान लो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कुछ डिस्प्ले करना हो, तो डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं लेबल। ये रहा लेबल की प्रॉपर्टीज में आ जाओ, यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज में आते हैं, हम यहाँ पे बोलते हैं एंटर, हम यहाँ बोलते हैं एंटर नंबर, बोल दिया ये हमारा लेबल है। अब बार बार इसको कौन करे, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, आ गया ये अलग लेबल है। और फिर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, मैं इसको कर देता हूँ रिजल्ट। ठीक, अब मैं यहाँ पे लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स, डिस्प्ले करने के लिए होता है लेबल। अब मुझे कोई वैल्यू डालनी है तो उसके लिए हम लोग लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स, ये राजी टेक्स्ट बॉक्स, कंट्रोल सी कंट्रोल बी कंट्रोल बी, ये राजी हमारा टेक्स्ट बॉक्स, ये राजी हमारा टेक्स्ट बॉक्स। और मैं इसको एक साथ सेलेक्ट करके ऐसे मूव कर लूँ, ये रहा हमारा बटन।
अब मैं चाहता हूँ जब मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करूँ तो ये जो वैल्यू हमने दोनों टेक्स्ट बॉक्स में डाला है वो दोनों ऐड हो के आ जाना चाहिए, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू ऐड होकर टेक्स्ट बॉक्स 3 में आ जाए। अब यदि मैं इसको रन करूँ यहाँ पे, अब मैं चाहता हूँ ये जो वैल्यू मैं यहाँ पे डालूँ, ये देखो, यदि मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँ तो ये ऐड यहाँ पे होके आ जाए। ये काम तुम लोगों को करना है, ऑलरेडी आप लोगों ने विंडोज प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत पहले भी करी है तो ये काम आप लोगों को करना है। तो कल जब मैं बैठूंगा तो इससे आगे शुरू करूंगा और मैं कल कोशिश करूंगा कि विंडोज प्रोग्राम की मैक्सिमम चीज़ें हम कवर कर लें, ठीक है। आज आप लोगों को स्टार्ट करनी है और इतना प्रैक्टिस करना है।